हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स पे। आप लेट्स पे में आपका स्वागत है। मैं आज का वीडियो लाया हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे को स्क्रू फ्लाइट के लेआउट के डेवलपमेंट के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा था। एक छोटा सा ही वीडियो है ये। एक बेसिकली मैंने एक ऐप ढूंढा है जो कि स्क्रू फ्लाइट के हमें जो ब्लैंक प्लेट लगता है उसका डाया देता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में ऊपर सर्च बार में लिखिए स्क्रू फ्लाइट, और ये जो दो नंबर का लिंक है स्क्रू फ्लाइट, इस पर क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे आपको इंस्टॉल ऑप्शन देगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये ओपन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इसका कुछ इंटरफेस ऐसा रहने वाला है। चलो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये विंडो खुलेगा आपके सामने। यहाँ आपको क्या करना है, आउटसाइड डाया यानी जो अपना स्क्रू का जो फाइनल डाया है उसको पीच के हिसाब से बनाने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद वो डाया पूछता है। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि 500 mm इसका ओडी है। फिर डी बोले तो इनसाइड डाया है, यानी कि ये जो फ्लाइट जिस भी पाइप पे तो शाफ्ट पे लगने वाला है उसका ओडी या तो इसका आईडी, दोनों कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कोई पाइप पे लगने वाला है तो पाइप का ओडी इसका आईडी रहेगा, और शार्ट सॉलिड पे लगने वाला है तो सॉलिड का ओडी इसका आईडी रहेगा। तो डी यहाँ पे दिखा है, डी डालता हूँ मैं। कंसीडर करता हूँ कि 150 mm है। दूसरा उसके बाद है थिकनेस। थिकनेस है यहाँ पे मैं डालता हूँ 5 mm का। मैं कंसिडर करता हूँ कि 5 mm का ब्लेड है मेरा थिकनेस। और कितना पीच हमें चाहिए स्क्रू फ्लाइट का वो यहाँ डालना है। स्क्रू फ्लाइट का पीच देता हूँ 300 mm कंसिडर करता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पूछता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सिलेक्ट मटेरियल पे क्लिक कीजिए तो आपको एक लिस्ट आएगी। अगर आपके MS मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर फ्लाइट का MS है तो फर्स्ट वाला लीजिए। SS उस तरह से आप मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं SS कंसिडर करता हूँ। सिलेक्ट किया और उसके बाद जस्ट कैलकुलेट दबाना है तो हमें एक विंडो मिल जाएगा जिसमें हमें जो प्लैंक सर्कल है हमारा उसका ओडी आईडी क्या रखेंगे, जिसको ट्विस्ट करने के बाद हमें अपने रिक्वायर्ड साइज का फ्लाइट मिल जाएगा। तो ये देखो, ये आ गया है रिजल्ट। डेवलपमेंट डाया यानी डी आउटसाइड डायामीटर, जो प्लैंक सर्कल है उसका आउटसाइड डायामीटर रखना है 537 mm, और इसका आईडी हमें रखना है 187.86 mm, और इसका एक फ्लाइट का वेट अराउंड 8 kg के आएगा, 7.9 यानी 8 kg। तो ये हमें प्लैंक है, और एक जो बीच में लाइन दिखा है इसका मतलब यहाँ से एक सीधा एक लाइन कट कर लेना है ताकि हमें ट्विस्ट करने को आए। और जैसे ही हम ये ब्लैंक साइज, ये रॉ साइज से ट्विस्ट करेंगे तो ये हमें रिक्वायर्ड पिच का और रिक्वायर्ड ओडी और आईडी का स्क्रू दे देगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।